आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप UMT डोंगल अगर भविष्य में आप चलाना चाहते हैं या चलाते हैं, आप यूज करते हैं UMT डोंगल को, तो आपको ये वीडियो देखना बिल्कुल बेहद ही जरूरी है। और ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक आपको देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको जो है अपने UMT डोंगल को अपडेट करना है, कैसे आपको इंस्टॉल करना है, और अगर आपका अपडेट एरर आ रहा है, बिजी सर्वर लिख रहा है, तो उसका क्या हल है, कैसे आप उसे अपडेट करेंगे, तो ये सारी की सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पर दोस्तों मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, आप यहां पर देख सकते हैं कि सामने पे UMT का 4.5 सेटअप, टोटल सेटअप हमने यहां पर डाउनलोड कर लिया अपने कंप्यूटर में, और ये सारी की सारी सेटअप को हमने यहां अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है। और इंस्टॉल करने के बाद जो है इस सेटअप के अंदर में जो है काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, और वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, चलिए हम आपको यहाँ पे अल्टीमेट मल्टी टूल QC5 टूल को हम थोड़ा आपको ओपन करके यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैसेज है कि यहाँ पे जो है प्लीज अपडेट यूजिंग कार्ड फर्मवेयर अपडेटर, ठीक है, यानी ये कह रहा है कि आपका कार्ड जो है ये ओल्ड हो गया है और इसे आपको अपडेट करना होगा अपडेट फर्मवेयर से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसे अपडेट कैसे करें हम, इसे अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तरीका जो है अपडेट करने के लिए यहाँ पे UMT सपोर्ट एक्सेस टूल से अपडेट करने का तरीका है। और ये टूल को जब हम ओपन करेंगे तो इसमें भी जो है इसी तरह का ही कुछ एरर मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसे अपडेट कैसे करेंगे, चलिए आपको इसे भी ओपन करके हम आपको दिखा देते हैं जिस टूल से हम अपडेट करना चाहेंगे इस UMT डोंगल को। और उस टूल को जब हम ओपन करेंगे तो उस टूल में भी बिल्कुल इसी तरह का ही एरर मैसेज दे रहा है। तो इस टूल को, इस UMT डोंगल को हम कैसे अपडेट करें, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे आप QC5 टूल को ओपन करें, चाहे आप जो है अल्टीमेट मल्टी टूल को ओपन करें, किसी भी टूल का आप यूज़ करेंगे, आप UMT डोंगल का इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में लेटेस्ट वाला, तो वो आपको इसी तरह का एरर मैसेज आएगा और ये जो है आपको अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपडेट करना है, कैसे आपको इंस्टॉल करना है। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को अब लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा, अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कैसे आपको अनइंस्टॉल करना है अपने सारे जो जितनी भी आपका जो UMD डोंगल का जो टूल है वो सारे के सारे पहले आपको जो है अनइंस्टॉल कर देना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको नए सेटअप को इंस्टॉल करने से पहले आपको पुराने वाले सेटअप को आपको रिमूव करना होगा। तो आपको सारे सेटअप को जितने भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा वो सारा का सारा आपको पहले अनइंस्टॉल कर देना है बारी बारी से। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है आपके कंप्यूटर का जो टाइम होगा, डेट होगा, वो बिल्कुल डेट टाइम बिल्कुल सही होने चाहिए, यानी आपको डेट टाइम अपडेट कर देना है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर का डेट टाइम को आप अपडेट कर देंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि UMT डोंगल के अलावा कोई भी जो है आपका बॉक्स या डोंगल आपके कंप्यूटर में लगा हुआ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको अपडेट करना है कार्ड को तो आपका आपके कंप्यूटर में कोई भी UMT डोंगल के अलावा कोई भी आपका जो बॉक्स या डोंगल जो है आपके सिस्टम में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपका UMD डोंगल ही आपके जो है सिस्टम में कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है क्या करना है कि आपको जो नए सेटअप को बारी बारी से इंस्टॉल करना है एक एक करके, और जब ये सारा सेटअप आपका इंस्टॉल हो जाता है तब चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि आपको आगे करना क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप नए सेटअप को इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में तो अपने एंटीवायरस को, कोई भी एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल होगा तो उससे पहले आपको डिसेबल कर देना है एंटीवायरस को। आप देख सकते हैं कि इस कंप्यूटर में भी जो यहाँ पे एंटीवायरस को मैंने डिसेबल कर रखा है, और उसी तरह से आपको भी जो है अपने कंप्यूटर का एंटीवायरस को डिसेबल कर देना है। और सारे के सेटअप, सारे जितनी भी सेटअप आप देख रहे हैं UMD डोंगल का, इन सभी को बारी बारी से आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारी सेटअप जो हमारे सिस्टम में जो इंस्टॉल हो चुका है। चलिए हम ये QC5 अल्टीमेट मल्टी टूल को एक बार फिर से ओपन करके आपको दिखा देते हैं, और आप देख लें थोड़ा सा यहाँ पे कि ये जो टूल है हमारा जो 4.5 का जो सेटअप है इसे हमने इंस्टॉल कर दिया, और इसे जब हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे ये इस तरह का ये मैसेज आ रहा है। तो ये हमें जो कार्ड को जो है अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है।
तो इस कार्ड को हम अपडेट कैसे करेंगे? दोस्तों मैं बता दूँ, इस कार्ड को अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं UMT सपोर्ट एक्सेस 2.0, इस सेटअप को हमने इंस्टॉल किया है। ये अपडेट करने के लिए काम आता है UMT डोंगल को। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि इसे हमने इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर में, और इस सेटअप को भी जब हम ओपन कर रहे हैं तो इसमें भी इसी तरह का मैसेज आ रहा है। तो अब आप ही बताइए कि हम इस कार्ड को कैसे अपडेट करें। तो दोस्तों मैं बता दूँ, इस कार्ड को अपडेट करने के लिए आपको एक अलग से, यहाँ पे आप देख रहे हैं UMT FW अपडेटर। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे इस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करेंगे, उसके बाद आपको अपना UMT डोंगल लगा देना है। UMT डोंगल के अलावा आपको कोई भी जो कार्ड या कोई भी डोंगल या कोई भी कंपनी का बॉक्स जो है उसे आपको अपने सिस्टम में नहीं लगाना है, सिर्फ ओनली आपको जो है इसमें UMT डोंगल ही लगाना है। और आपका इंटरनेट कनेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद आपका एंटीवायरस डिसेबल होनी चाहिए, और उसके बाद आपके कंप्यूटर का जो डेट एंड टाइम है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। अपने कंप्यूटर का डेट एंड टाइम को जो है आप अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद गेट कार्ड पे आपको क्लिक करना है, ये आपके कार्ड को चेक करेगा, ये आपके कार्ड का सीरियल नंबर यहाँ चेक करेगा, उसके बाद आपको अपडेट करना है। और जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये 100% सक्सेसफुली अपडेट हो जानी चाहिए। आपका UMT डोंगल जो कार्ड है ये बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे अपडेट नहीं होता है, यहाँ पे अगर आपको कुछ एरर का मैसेज आता है, यहाँ पे अगर आपको लिखता है कि आपका कार्ड जो है अपडेट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे बिजी सर्वर अगर लिखता है, तो इसके लिए भी आप परेशान बिल्कुल ना हो। इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों कार्ड अपडेट करते वक्त समय आपको जो है अपना डेट एंड टाइम बिल्कुल सही रखना है अपने कंप्यूटर का, और आपको एंटीवायरस डिसेबल करके रखना है, और कोई भी डोंगल किसी भी कंपनी का लगा हुआ नहीं होना चाहिए, सिर्फ UMT डोंगल लगी होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में। उसके बाद आप ट्राई करें अपडेट, अगर अपडेट नहीं होता है तो आप जो है 5 घंटे बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं। अगर 5 घंटे बाद अगर नहीं हो रहा तो उसके दूसरे दिन भी आप जो है फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को तब तक के लिए हम पॉज करते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं अगले दिन में अपडेट करके। तो चलिए दोस्तों हमने इस वीडियो को पॉज कर दिया था, अब चलिए आज हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे अपडेट करके। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डोंगल यहाँ पे अपडेट होने के लिए तैयार है, और अभी यह सर्वर बिजी नहीं है, अभी ये हमारा जो डोंगल है यहाँ पे कम्प्लीटली अपडेट होगा। चलिए हम आपको अपडेट करके दिखाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि कभी कभी सर्वर बिजी रहने के कारण सर्वर पर जब ओवरलोड होता है तो जिस कारण से हमारा जो है डोंगल जो है अपडेट नहीं हो पाता है और सर्वर बिजी लिख देता है। तो ऐसे में आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपको दूसरे दिन ट्राई करना है, तीसरे दिन ट्राई करना है, चौथे दिन ट्राई करना है, लेकिन हर 5 घंटे बाद आपको ट्राई करना है, ठीक है, और आपका अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डोंगल जो है अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे मैं आपको और भी तरीका बताने वाला हूँ कि अपडेट करने का तरीका और भी है। तो दोस्तों चलिए हम आपको पहले यहाँ पे UMT सपोर्ट एक्सेस टूल 2.0 को, जो अभी ओपन नहीं हो रहा था, अब इस टूल को हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ये टूल ओपन हो चुका है और यहाँ पे लोडिंग भी ले चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे भी आप जो है इस टूल के माध्यम से जो है आप FW अपडेटर को जो है यहाँ पे UMT FW अपडेटर को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे आपको सिंपली आपको क्लिक करना है, और जैसे एक बार आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से यहाँ ऊपर में आपको एक बार क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ओके दे देना है, और ओके देने के बाद आपको वापस डाउनलोड पर जाना है। डाउनलोड ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, और ये आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है अपने सभी सेटअप को यहाँ पे जो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इस टूल के जरिए से, और इस टूल के जरिए से आप यहाँ पे अपडेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये अपडेटर यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, और ये हमारे सी प्रोग्राम फाइल में UMT डोंगल टूल में जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस टूल को जो है आप यहाँ पे ओपन करके अपने डोंगल को अपडेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आपको आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप अपडेट कर सकते हैं, किस किस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए इन सबको अब हम क्लोज कर देते हैं। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो ये टूल जो है ओपन नहीं हो रहा था, UMT डोंगल का कोई भी टूल जो हमारा ओपन नहीं हो रहा था हमारे सिस्टम में, तो उसे हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने किसी टूल को ओपन किया, फिर से यहाँ पे अपडेट मांगा जा रहा है, और फिर से हमको यहाँ पे अपडेट कर देना है एक बार, और यहाँ पे अपडेट करने के बाद जो कंप्लीट अपडेट जब यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पे क्लोज कर देना है और अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देना है, और रिस्टार्ट करने के बाद फिर से हमें अपने टूल को जो है जो UMT डोंगल का जो टूल है अल्टीमेट मल्टी टूल क्यूसीफाई टूल, इन सभी टूल को हम ओपन करके आपको दिखाते हैं कि हमारा टूल जो यहाँ पे ये ओपन अब हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों हमने अपने अल्टीमेट मल्टी टूल को जो है ओपन कर लिया है, 4.5 सेटअप को जो इंस्टॉल किया था उसी सेटअप को जो हमने इंस्टॉल कर लिया था अपने कंप्यूटर में, उसी को हम ओपन कर रहे हैं, और हम आपको ओपन करके यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि
ये टूल हमारा ओपन होता है कि नहीं। दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं ये सारा ऑप्शन जो बिल्कुल नहीं आ रहा था 4.5 में, यहाँ पे एग्री का ऑप्शन आ चुका है, इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब चलिए इस टूल को हम आपको ओपन करके यहाँ पे दिखाते हैं अपने कंप्यूटर में, जो टूल हमारा ओपन नहीं हो रहा था 4.5 लेटेस्ट सेटअप। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टूल ओपन हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।